Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है साइंस में अपना एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और आप लोग, जैसा कि हमने कहा है कि आप लोग इसको शेयर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अगर ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, अगर 50 से कम देखते हैं तो हम ये वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक। तो मैं पहले ही बता चुका था, फिर बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलते हैं, हम आज अपने अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेंगे, जो कि पहला चैप्टर अम्लशार लवण रहेगा, ठीक। तो उसके बाद फिर एक चैप्टर इधर फिजिक्स में, फिर एक चैप्टर उधर केमिस्ट्री में। तो इसी तरह एक एक चैप्टर करके हम पढ़ाएंगे। तो आपका जो ये चैप्टर चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहे थे हम, इसमें जो है कल हमने चित्र बना लिया था। आज एक चार्ट में देख लीजिए पूरा, क्योंकि इसमें चित्र बनाने के लिए तो आता नहीं है, केवल पूछता है कि जब वस्तु यहां रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, या जब वस्तु यहां रहेगी तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो यही केवल चीज याद करनी है आपको। तो चित्र तो मैंने कल बता दिया था, जो एक दो रह गए थे उसको जो है आप लोग अपने आप से बनाने का प्रयास कीजिएगा बुक से, ठीक। केवल चूंकि उसको पूछा नहीं जाता कैसे बनाया जाता है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप लोग कहेंगे तो मैं बता दूंगा। आप लोग कमेंट करिएगा, अगर कहेंगे आप लोग तो मैं बता दूंगा। तो चलते हैं, चर्चा करते हैं आज जो अभी तक हम लोगों ने बनाया चित्र उसमें क्या रहता है। जैसे अगर वस्तु अनंत पर रहेगी तो उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी वो फोकस पर बनेगी, मतलब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। और उसका आकार क्या रहेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। फिर और उसकी प्रकृति क्या रहेगी, याद रखिएगा अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे, अगर अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की प्रकृति की बात की जाए तो हमेशा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। केवल एक स्थिति छोड़कर, और वो कौन सी स्थिति है, जब वस्तु एफ और पी के बीच में रहे। अवतल दर्पण में यही एक स्थिति है जब वस्तु सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बाकी इसके अलावा वस्तु चाहे जहां रहे, हर जगह की प्रतिबिंब क्या बनेगी, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक। तो अगर वस्तु सी से बाहर है, वक्रता केंद्र के बाहर है, सी का मतलब वक्रता केंद्र, एफ का मतलब फोकस दूरी, जैसा कि हमने बता दिया है वीडियो दो में। तो आप लोग वीडियो दो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ठीक। तो सी के बाहर अगर वस्तु है तो जो प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी, एफ और सी के बीच में रहेगी, छोटा प्रतिबिंब का आकार छोटा रहेगा। तो उत्तल में क्या होता है, उत्तल में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनेगा, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। क्या बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा हमेशा। उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत चाहे अनंत पर हो, अगर अनंत पर होगी तब भी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और अगर अनंत और दर्पण के बीच में कहीं भी रहे तो हमेशा आभासी और सीधा ही बनता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा। आज हम आगे चर्चा करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे चर्चा करेंगे चिन्ह पर, पार्टी पर, कि जो है जो हम प्रतिबिंब बनाते हैं जब भी सवाल हल करेंगे तो उसमें कुछ चीजें प्लस में रहेंगी, कुछ चीजें माइनस में रहेंगी, यही समस्या बनती है। बच्चों को अगर चिन्ह परपाटी नहीं पता रहता तो वो सवाल लगाने में मिस्टेक कर देते हैं, ठीक। तो सवाल लगाने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि आखिर ये चिन्ह परिपाटी है क्या। तो एक शब्दों में अगर लिखना चाहें तो परिभाषा हम लिख सकते हैं कि परावर्तन से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम चिन्ह परिपाटी के माध्यम से समझते हैं। चिन्ह परिपाटी में जो है सबसे पहली चीज हम ये लिखेंगे कि वस्तु सदैव दर्पण के बाई ओर रखी जाती है, बाई ओर रखी जाती है, और वस्तु की दूरी को हमेशा युग से प्रदर्शित करते हैं,
वस्तु की दूरी हमेशा u से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज हम देखेंगे, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को ओ ओ डैश से लिखते हैं, ठीक लिखते हैं। तीसरा मतलब दो ही चीज तो है, एक हमारा वस्तु रहेगा, एक हमारा प्रतिबिंब रहेगा। तो वस्तु जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, तो आगे देखते हैं, दो ही चीज रहती है, एक वस्तु एक प्रतिबिंब। तो वस्तु के लिए तो देख लिए कि वस्तु हमेशा बाई ओर रखी जाती है और वस्तु की जो दूरी होती है हमेशा यू से प्रदर्शित की जाती है। वस्तु की दूरी अभी हम बताएंगे जब चित्र बनाएंगे, तो फिर वस्तु की लंबाई को हमेशा ओ ओ डैश से लिखते हैं। उसी प्रकार अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी सदैव सदैव वी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वी आई आई डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये चार चीज आप पहली चीज तो नोट कर लीजिए, तीन चीज है, तीन चीज आप पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको केवल इतना याद रखना है कि वस्तु की लंबाई रहेगी तो ओ ओ डैश से, प्रतिबिंब की लंबाई रहेगी तो आई आई डैश से, वस्तु की दूरी रहेगी तो यू से, और प्रतिबिंब की दूरी रहेगी तो वी से हम लिखते हैं, ठीक। आगे जब उसी किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे। तो चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी आखिर है क्या। तो देखिए जो चिन्ह परिपाटी है, आप जो है एक एक चीज एक चिन्ह जानते होंगे जो ये प्लस की तरह बनता है, सभी लोग जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता होगा वो नीचे कमेंट करेगा, हम बताएंगे। तो ये प्लस आप बना लीजिए, इसमें जो आपकी इधर की दूरी रहेगी वो आपकी हमेशा धनात्मक रहती है, प्लस के इधर की दूरी हमेशा ऋणात्मक रहती है, प्लस में ऊपर की दूरी हमेशा धनात्मक रहती है और नीचे की दूरी हमेशा ऋणात्मक रहती है। अपने दिमाग में आप यही प्लस चिन्ह याद रखिएगा बस, अपने दिमाग में यही प्लस चिन्ह याद रखिएगा बस। तो चलते हैं आगे देखते हैं। अगर हम दर्पण ले ले कोई, तो दर्पण का मतलब चलिए हमने ले लिया यही अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ले लिया, और इसका ये ध्रुव है P, और ठीक ये चीज है, ये ध्रुव हमने ले लिया, क्या ध्रुव हमने ले लिया P। तो याद रखिए कोई वस्तु रखी जाएगी तो कोई वस्तु यही रखी जाएगी, ठीक। ये आपका क्या रहेगा, O O डैश रहेगा। हम कोई एक चित्र मान ले रहे, कोई एक चित्र बना रहे हैं, ठीक। जब इसको हम सी के बाहर कर दे रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है और ये चित्र जो है थोड़ा दूर करना पड़ेगा हमको, क्योंकि आप लोग स्केल से बनाएंगे इसलिए जो है आपका बन जाएगा एक ही बार में, ठीक। तो देखिए दोनों जहां पे काटेगी वहीं हमारा क्या हो जाएगा, आई आई एस। तो आपको मैंने बताया क्या, बताया कि वस्तु सदैव दर्पण के बाई ओर रखी जाती है। हम देख रहे हैं आपका दर्पण है, बाई ओर हमारी वस्तु। फिर हमने बताया कि वस्तु की दूरी हमेशा u से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की दूरी का मतलब यह है कि अगर जैसे वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है, तो वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है अर्थात यहां से यहां तक की जो दूरी है इसी को हम u से प्रदर्शित करते हैं, किससे u से प्रदर्शित करते हैं। और हमने अभी बताया कि प्लस में इधर वाली जो दूरी रहती है वो माइनस में रहती है, इसीलिए इधर की दूरी
भी क्या रहेगी, माइनस में रहेगी, अर्थात माइनस यू रहेगी। उसी प्रकार अगर हम प्रतिबिंब देखें तो ये जो दूरी है आपकी, ये प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा v से लिखते हैं, तो चूंकि ये हमारा प्लस में इधर की तरफ है, देखिए प्लस में इधर की तरफ है, इसीलिए माइनस v कर दिए। और वस्तु की जो लंबाई है ओ डैश, ये ओ डैश हमारा क्या होगा, प्लस में रहेगा, क्या ओ डैश, ये वस्तु की लंबाई है। चूंकि वस्तु की लंबाई देखिए ऊपर है ना, ऊपर वाला हिस्सा है, अर्थात ये ऊपर है, तो ऊपर की दूरी धनात्मक रहेगी। उसी तरह नीचे की जो दूरी है, अर्थात ये वाली, ये जो दूरी है ये आपकी है आई आई डैश, और ये आपकी क्या क्या रहेगी, ये आपकी ऋणात्मक रहेगी। तो मतलब कि माइनस वी, माइनस यू, प्लस और माइनस। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझ लिया कि अगर ये दर्पण रख दे बीच में और एक पाई खींच दे, तो दर्पण में ऊपर की जो दूरी रहेगी, अगर हम ऊपर कुछ नाप रहे हैं तो प्लस में, अगर हम नीचे कुछ नाप रहे हैं तो माइनस में, अगर हम बाई तरफ कुछ नाप रहे हैं तो प्लस में, अगर हम दाई तरफ कुछ नाप रहे हैं तो माइनस में होती है। यही चीज है हमारी चिन्ह परिपाटी। जब आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, सवाल जब लगाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कहीं समस्या हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। चिन्ह परिपाटी के बाद आगे चलते हैं आवर्धन क्या पढ़ाए पढ़ते हैं, ठीक, क्या पढ़ेंगे आगे, आवर्धन। तो आवर्धन का मतलब है कि देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या है। इसके बाद दर्पण का सूत्र, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। तो दर्पण सूत्र तथा आवर्धन अगली हेडिंग रहेगी, अगली हेडिंग आपकी रहेगी दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। अगली हेडिंग आपकी है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। तो देखिए दर्पण सूत्र का निगमन अब आपके सिलेबस में नहीं है, जैसा कि मैं देख रहा हूं जो आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस में दर्पण के सूत्र का निगमन नहीं है, केवल दर्पण का सूत्र लिखना है और आवर्धन जो है आपको बताना है कि आवर्धन क्या है। तो चलते हैं हम चर्चा करते हैं कि दर्पण का सूत्र और आवर्धन क्या है। तो चलिए देखते हैं, दर्पण का सूत्र अगर हम देखें तो दर्पण का सूत्र होता है वन अपान यफ बराबर वन अपान भी और प्लस वन अपान यू। ये आपका क्या है, ये आपका दर्पण का सूत्र, क्या है, दर्पण का सूत्र। लिखेंगे जहां यफ दर्पण की फोकस दूरी, वी अभी हमने पीछे बताया प्रतिबिंब की दूरी, और u वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। जब आप सवाल लगाएंगे तो ये और अच्छे समझ में आएगा। तो ये चीज है, ये आपका दर्पण का सूत्र है और ये जो है उसका फार्मूला है, मतलब कि क्या चीज क्या है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अगला आपका रहेगा आवर्धन। तो अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी क्या, आवर्धन पड़ेगी। आवर्धन देखिए है क्या, कोई प्रतिबिंब दोनों में क्या अनुपात है, अर्थात वस्तु से कितना छोटा प्रतिबिंब है, वस्तु से कितना बड़ा प्रतिबिंब है, वस्तु से कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब है, वस्तु से कितने गुना छोटा प्रतिबिंब है। तो हम क्या देख रहे हैं, कितना शब्द मिल जाए, गुना शब्द मिल जाए, बड़ा शब्द मिल जाए, अगर ये इन सब में कोई भी शब्द मिलता है तो आप ये जान लीजिएगा कि हमको आवर्धन दिया गया है। कैसे समझेंगे कि आवर्धन दिया गया है, चाहे क्वेश्चन प्रश्न में मिल जाए हमको कि इतने इससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इतना छोटा प्रतिबिंब बनता है, इतना गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इतना गुना छोटा प्रतिबिंब बनता है,
तो अगर ये सब शब्द मिल जाए तो जान लीजिएगा कि आपको आवर्धन दिया गया है। और आवर्धन को हम यम से प्रदर्शित करते हैं, किससे? यम से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा अगर आप लिखना चाहेंगे तो आवर्धन की परिभाषा में लिख लीजिए, आवर्धन की परिभाषा में आप लिख लीजिए कि वस्तु और प्रतिबिंब के अनुपात को, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं, बराबर v अपान u। ठीक, ये है आपका आवर्धन का सूत्र। किसका सूत्र है ये? आवर्धन का सूत्र है। किसका सूत्र है? आवर्धन का सूत्र। एक चीज और याद रखिएगा, हमने आवर्धन का सूत्र बताया, अगर प्रश्न में उत्तल दर्पण रहेगा, प्रश्न में अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो हमने देखा था कि उत्तल दर्पण में वस्तु भी इधर ही रहती है और प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है, तो वस्तु की लंबाई क्या हो गई? वस्तु की लंबाई हो गई प्लस में, वो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की लंबाई चूंकि नीचे का है, नीचे हमारा माइनस में रहता है, बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई धन में प्लस में रहती है, बराबर वी। हमने बताया कि v का मान हमारा क्या रहता है? माइनस में रहता है, और u का मान हमारा माइनस में रहता है। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, अर्थात हमारा एक माइनस बचेगा, अर्थात यम का मान निगेटिव होगा। कब होगा? जब दर्पण कौन सा हो? अवतल दर्पण हो, और अवतल दर्पण में कब? जब प्रतिबिंब क्या बने? वास्तविक बने। प्रतिबिंब क्या बने? वास्तविक एवं उल्टा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है तो यम का जो मान होगा वो माइनस में होगा। वहीं अगर आभासी बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, या फिर आपका उत्तल दर्पण रहेगा, तो उत्तल दर्पण में हमने बताया कि वस्तु तो हमारी इधर रहती है लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो इधर बनता है, ठीक, और सीधा बनता है। तो अगर हम उसके लिए बात करेंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई हमारी सीधी रहेगी, अर्थात ऊपर की तरफ रहेगी तो प्लस में, वस्तु की लंबाई सीधी रहेगी तो प्लस में, ठीक, और v प्रतिबिंब की दूरी इधर है अर्थात प्लस में बटे, उसके बाद फिर u वस्तु की दूरी हमारी इधर है अर्थात माइनस। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, हमारा प्लस खत्म हो गया माइनस, तो ये भी हमारा क्या बना? माइनस। ठीक, तो एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर प्रतिबिंब आपका आभासी बनता है, क्या बनता है? अगर प्रतिबिंब देख ले रहे पर अगर प्रतिबिंब आभासी बनता है तो जो हमारा फार्मूला बनता है वो क्या बनता है? यम बराबर माइनस वी अपान यू। ठीक, याद रखिएगा। तो जो हमारा रेखीय आवर्धन का फार्मूला बनता है वो क्या बनता है कि यम बराबर माइनस
वी अपॉन यू, याद रखिएगा। जो हमारा यम का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि यम बराबर माइनस वी अपॉन यू। हमने सॉल्व करके भी बताया कि कैसे यहां पे माइनस लगाया गया, तो हमने देखा कि जब हम उत्तल दर्पण मान रहे हैं तब भी हमको माइनस मिल रहा है, जब हम अवतल दर्पण मान रहे हैं तब भी हमको माइनस मिल रहा है, अतः यम बराबर माइनस वी अपॉन यू होता है। ठीक, तो आज हम आपको यहीं पर रोकेंगे। आपका इसके बाद जो सिलेबस में है, इसके बाद आपके सिलेबस में प्रश्न है, ठीक, तो कल जो है हम प्रश्न पर चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल जो इसके रहेंगे कल आपको पूरा न्यूमेरिकल इसका बता दिया जाएगा। ठीक, तो कल कम से कम जो है 5 या 6 क्वेश्चन कल हम लोग डिस्कस करेंगे और 5 या 6 क्वेश्चन परसों डिस्कस करेंगे, और केवल एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन नहीं, और बुकों के, हमारे पास कई बुकें हैं, अच्छी अच्छी बुकें हैं, उन बुकों के भी क्वेश्चन जो है हम आपको सॉल्व करवाएंगे। लेकिन आपका काम यही है कि आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, और अगर उत्साह बढ़ेगा तो हम अच्छा अच्छा मटेरियल सोचेंगे कि हम अपने बच्चों को क्या देंगे। तो ये काम आपका है कि इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।